उपखंड के एकमात्र सरकारी अस्पताल राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय जाने वाले दोनों ओर के रोड क्षतिग्रस्त होने के कारण रोगियों तथा परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर अस्पताल रोड होने के बाद भी जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण हालात बिगड़ रहे हैं। रोड पर जगह जगह खड्डे हो रखे हैं और कंक्रीट निकली होने के कारण वाहन चालकों को वाहन चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मालूम हो कि राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय की ओर जाने के लिए श्री मेगा हाईवे होटल विनोद के सामने से तथा छावनी रोड से जय क्लिनिक के सामने से मुख्य रोड है। वर्तमान में दोनों ही ओर के रास्तों की सड़कों की ऐसी हालत हो रखी है कि आमजन का वहां से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। आसपास के क्षेत्रवासियों ने बताया कि सड़क पर बीच बीच में हो रहे गड्ढों के कारण वाहन चालकों को परेशानियां उठानी पड़ती है। इस रोड से गुजरने के दौरान गंभीर रोगियों की जान पर बनाती है। एम्बुलेंस चालकों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटना के गंभीर रोगियों को अस्पताल लेकर आने के दौरान इस रोड से गुजरने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पूर्व पार्षद कांता ग्वाला ने बताया कि इस बाबत कई बार नगर परिषद सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग को भी अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्रवासी ओम प्रकाश तिवारी, धर्मपाल सिंह ग्वाला, देव कुमावत, सोनू पोपावत, कालू रवि तथा रामचंद्र ने नगर परिषद प्रशासन से शीघ्र ही उक्त दोनों रास्तों की सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की है, ताकि रोगी तथा परिजनों को होने वाली परेशानियों से निजात मिल सके। साहब, गढ़ सड़क के लिए कितने टाइम से हो रहा है, इतने खड्डे खोप चाहिए, हर रैली वाली परेशान रहती है, समझे? अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही है, बरसों हो जा रही है धीरे धीरे इसको खड्डे को खोदते खोदते, और ज़्यादा हालत खराब हो रखी है, बहुत परेशानी आ रही है, कोई सुनाई नहीं हो रही है। एक एक खड्डे में कितने हल्के चलाएं गाड़ी को, बताओ, ये कंडीशन है। 108 एम्बुलेंस का ड्राइवर हूँ और आए दिन हमारे पास में पेशेंट आते हैं तो उनको लेने के लिए जाते हैं, जैसे ही अमृतकोर एके हॉस्पिटल में जैसे उनको रेफर के लिए बोलते हैं तो उनको लेके जाते हैं, तो जैसे ही यहाँ के जो जय क्लिनिक से लेकर अमृतकोर की जो सड़क है, यहाँ पर इतने बुरे हाल है सड़कों के खड्डे हैं हर मतलब इस रोड पर, मतलब इतने खड्डे हैं कि एम्बुलेंस चलाना भी हमारे लिए एक बहुत डिफिकल्ट हो गया है। तो मेरी प्रशासन से ये गुजारिश है कि ये जय क्लिनिक से लेकर एके हॉस्पिटल अमृतकोर तक की जो सड़क है उसका निर्माण करवाया जाए, और यहाँ पर बहुत ही क्षतिपूर्वक मतलब कि वाहन चलाना ही मतलब कि एक बहुत दुविधाजनक बात है, और प्रेग्नेंट जो लेडीज होती है उनको ले जाना तो हमारे लिए एक बहुत ही असंभव बात है, क्योंकि जब डिलीवरी वाले पेशेंट को हम लेके जाते हैं तो प्रेग्नेंट लेडीज जो जब जाती है तो उनकी डिलीवरी रास्ते में ही हो जाती है, इतने खड्डे हैं कि पूछो ही मत कि गाड़ी चलाना ही यहाँ पर दुभर है। कई बार 10 सालों से लिख के दे दिया पर आज तक इसकी कोई सुनाई नहीं हुई है, और हम इतने परेशान हैं, डिलीवरी वाले आते हैं बेचारे, आते जाते एम्बुलेंस वाले ये सब कहते हैं आंटी जी इसका कुछ करो, आंटी जी इसका कुछ करो, कोई सुनाई करने वाला नहीं है। और मैं प्रशासन से करती हूँ निवेदन कि जल्दी से जल्दी रोड बने और ये काम अच्छा होवे और आने जाने वालों को परेशानी नहीं होवे, पब्लिक बहुत परेशान है, आती जाती डिलीवरी वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और ये ऑटो वाले एम्बुलेंस वाले ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और ये बेचारे आने जाने वाले मरीज बहुत परेशान होते हैं, इसके लिए जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, ये रोड बने अमृतकोर तक, जय किडनी से लेके अमृतकोर तक बहुत ज़्यादा खड्डे ही खड्डे हो रहे हैं। मेरा आज भी तू, मेरा कल भी तू, हर मुश्किल दा हल भी तू। गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर पीपीएस पैराडाइज गार्डन अजमेर रोड व पीपीएस होटल उदयपुर रोड ब्यावर के भूपेंद्र पाल सिंह व हरजीत सिंह सलूजा और मनी भाई की ओर से आप सभी को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामना व बधाई।